दोस्तों, स्वागत है मेरी इस नई YouTube वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि ACSR कंडक्टर के बारे में। अगर ACSR कंडक्टर के बारे में आपको कंप्लीट डायमीटर पूछा है पूरे कंडक्टर का, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर नंबर ऑफ द लेयर्स दी गई हैं तो स्ट्रैंड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने स्ट्रैंड्स उसमें यूज होंगे वायर के। तो हमारे पास ये ACSR कंडक्टर है। ये देखिए, हमारे पास ये एक ACSR कंडक्टर है जिसका जो डायामीटर है, ये देखिए ये क्या है डायामीटर। तो इसको हम ये क्या है वायर का डायामीटर डी, ठीक है। और ये जो ये कंडक्टर है, पतले जो कंडक्टर है, इनको क्या कहा जाता है स्ट्रैंड्स कहा जाता है। तो ये क्या है स्ट्रैंड्स। तो इनका डायामीटर कितना आ जाएगा स्ट्रैंड्स डायामीटर डी। ये क्या है लेयर्स हैं। तो ये कौन सी लेयर है, ये सेंटर लेयर है जिसको जीरो से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये जीरो लेयर है। इसके बाहर जो आएगी ये वाली लेयर, इसको कहा जाता है फर्स्ट लेयर, इसको कहा जाता है फर्स्ट लेयर। वैसे ही ये सेकंड लेयर आएगी और ये थर्ड लेयर आएगी। कौन सी आ गई थर्ड लेयर, ठीक है, और ये फोर्थ लेयर। ये ऐसे वेरी करती हैं लेयर्स अकॉर्डिंग टू द वायर करंट। तो ठीक है, इसको डिजाइनर डिजाइन करता है कि ये कितनी लेयर होंगी और इसकी थिकनेस कितनी होगी, और इसको डिनोट किया जाता है जो ये वायर है, जो ये कौन सी लेयर चली है, इसको एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पूछा है कि टू फाइंड द टोटल डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है, वायर का पूरे का डायमीटर पूछा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, डी इज इक्वल टू 2x-1 × d। यहां एक्स क्या है नंबर ऑफ द लेयर्स, ठीक है, 0, 1, 2, 3। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है, द वायर हैज अ स्ट्रैंड डायामीटर इज 5 mm एंड द नंबर ऑफ द लेयर आर द 3, देन फाइंड द टोटल डायामीटर ऑफ द वायर, ठीक है। एक स्ट्रैंड का डायामीटर दिया गया है 5 mm और नंबर ऑफ द लेयर कितनी यूज की है उसने 3, ठीक है। तो टोटल डायामीटर पूछा है कि टोटल डायामीटर कितना होगा वायर का, ठीक है। तो स्ट्रैंड का डायामीटर कितना है डी, स्मॉल डी से जिसको डिनोट किया जाता है वो कितना है 5 mm, और नंबर ऑफ द लेयर को एक्स से डिनोट किया जाता है जो कि कितनी है 3। तो अगर पूरा डायामीटर कंप्लीट डायामीटर ऑफ द वायर निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो कि क्या है टोटल डायामीटर ऑफ द वायर डी इज इक्वल टू द 2x-1 × t। तो वैल्यूज पुट कीजिए, 2 × x की वैल्यू कितनी है 3-1, ठीक है, इंटू डायामीटर कितना है 5 mm। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6-1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 × 5 इज इक्वल टू द 25 mm। तो पूरा जो डायामीटर है वायर का वो कितना आ जाएगा 25 mm, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स इन अ वायर, ठीक है, अब स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं कि ये जो है ये पतले वाले कंडक्टर कितने यूज होंगे, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है स्ट्रैंड्स कहा जाता है। तो अगर मेरे जीरो लेयर दी है तो कितने स्ट्रैंड होंगे, अगर दो लेयर दी है तो कितने स्ट्रैंड्स होंगे। तो इसी तरह से नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पूछ सकते हैं ये किसी भी वायर में। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, इज इक्वल टू 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा द नंबर ऑफ द लेयर, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें क्या है, क्या एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ द लेयर इन द वायर इज 4, ठीक है, 4 लेयर दी है, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ अ स्ट्रैंड्स इन अ वायर, ठीक है। तो पतले वाले कंडक्टर कितने यूज होंगे, टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, द नंबर ऑफ द लेयर, ठीक है, लेयर को किससे डिनोट किया जाता है x से, x इज इक्वल टू द 4, ठीक है। तो स्ट्रैंड निकालने के लिए हम इसको पुट करेंगे, देन द नंबर ऑफ द स्ट्रैंड इन द वायर कितने होंगे इज इक्वल टू द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए 4x = 4, तो ये कितना हो गया 3 × 4⁴² + 3 × 4+1, तो ये कितना आ गया 3 × 4⁴² इज इक्वल टू द 16+3 एंड 4 इज इक्वल टू द 12 प्लस
61, ये कितना आ गया 61, मींस कि 61 पतले वाले तार यूज होंगे एक बड़े कंडक्टर को बनाने के लिए, अगर हम चार लेयर की ACSR कंडक्टर बनाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कि कैसे स्ट्रेंथ्स कैलकुलेट किए जाते हैं इन अ वायर एंड डायमीटर कैसे फाइंड किया जाता है स्ट्रेंथ से पूरे वायर का। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट में जरूर लिखिए और